बॉबी सर को तो जिम का बहुत शौक है, तो वो तो सारा टाइम जिम में रहते रहेंगे, और आप तो एमपी हैं तो ज़्यादातर आप संसद में रहते रहेंगे, और धर्म जी के मैं वीडियो देखी, उनको फार्मिंग का शौक है तो वो तो उधर फार्म हाउस पे रहते रहेंगे, तो आपका घर खाली है तो दो ना रहने के लिए। तो करण कहाँ रहेगा? करण फिल्मों में रहेगा। उसकी पिक्चर हिट होने वाली है, पैदा ही चुए फिल्मों में रहने के लिए। खैर बहुत गुड लक आप लोग को। थैंक यू सनीपा जी, मैं चलती हूँ। आपको मैं एक बात बताऊं, ये इसके अंदर जो एक आदमी है ना, इधर रुको जरा, ये धर्मपाजी का वो वाला धर्मवीर वाला गरम बन के आते हैं, स्पूफ करते हैं, और इनके साथ आता है किकू फनी दियोल बन के। छुप क्यों रही अब? मैं थोड़ी करती है, वो मेरा भाई करता है कृष्णा। इसी घाघरे के अंदर है भाई भी। लेकिन अगर सनी पाजी आपकी मिमिक्री करके अगर कृष्णा के और चार फ्लैट बनते हैं तो एक काम करना, और अगर उसमें से एक फ्लैट मुझे दे देना। अगर आप इजाजत देंगे तो चलो अगले एपिसोड में हम लोग अगले एपिसोड में ही करेंगे। ओके बाय। करण, विशेष सावंत, आप तीनों सोशल मीडिया पे तो हो ही, सनी पाजी को तो मैं फॉलो भी करता हूँ। आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स जब डालते हैं अपने फैंस के लिए, है ना, कि कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके पीछे हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़े मजेदार कमेंट करती है, तो हम निकाल के रखते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम होगा नहीं पढ़ने का, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, प्लीज दिखाइए जरा। ये सनी पाजी ने फोटो डाली है अपने इंस्टा पे, स्टॉप जजिंग स्टॉप एडवाइजिंग लिव एंड लेट लिव, वाओ ब्यूटीफुल। और नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, ऐसी शक्ल तो सामने वाले की होती होगी जब आपका हाथ उसके गाल पे पड़ता होगा। देखो आप कितने क्रिएटिव लोग हैं। सर किसने कहा था गाल पे बैठे मच्छर को ऐसे मारो? एक कोई मेरा भाई हकीम लगता है कोई, क्या आपके भी मसूड़े में तकलीफ है? रुई में लौंग का तेल लेके दांतों में लगाएं, और अगर कीड़ा लग गया है तो नीम का तेल लगा लें, और अब आप बड़े हो गए हैं टॉफी खाना बंद कर दें। और दिखाइए, वेरी क्यूट कमेंट। व्हेन समवन गिव्स यू तारीख पे तारीख, सही बताओ दाढ़ी गलत कट गई ना? और दिखाइए, केक लवर्स बिवेयर आई एम नॉट स्टॉपिंग एट वन। ओके दिखाइए जरा, ये केक अभी भी गीला है, एक काम करो 10 मिनट धूप में रख दो सूख जाएगा। नीचे किसने रिप्लाई किया, अबे तेरे बाप की लुंगी नहीं है। केक है कहाँ धूप में सुखाएंगे। आपका हाथ 2.5 किलो का है, मुंह 2.5 मीटर का नहीं है, ये तो आपको काट के ही खाना पड़ेगा। और दिखाइए, मेरे बाप की लूंगी। पाजी केक के ऊपर टमाटर डालकर कौन खाता है? नीचे रिप्लाई भी करते हैं लोग, बहन जी वो टमाटर नहीं स्ट्रॉबेरी है। मैं भी बहन जी नहीं भाई साहब हूँ। आगे दिखाइए, माई सन एंड मी बॉन्डिंग लव स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल पिक्चर। ये कब की पिक्चर है करण? ओल्ड ओल्ड, वेरी ओल्ड पिक्चर। हाँ, यू लुकिंग लाइक अ बेबी देयर। दिखाइए कमेंट जरा। ये सही है, बच्चा हाथ से निकल भी जाए तो पैरों में फंसा रहेगा। देखो सनी पाजी ने बेटे को भी टांग दिया, टांग दिया, अच्छा वर्ड प्ले। और आगे दिखाइए, लोग हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, ये टांग पे टांग रख के बैठे हैं। देखो सनी पाजी ने बेटे को टांग दिया है। आपका कमेंट एक बार पढ़ लिया गया है, बार बार ना डाले। और दिखाइए, ओह माय गॉड, फिनिश।
अच्छा आज क्योंकि हम वेल्ले फिल्म की बात कर रहे हैं पाजी, मैं कुछ वेल्ली चीजें पूछूंगा आप सबसे. आपने बताना है वो कभी किया है कि नहीं किया है. ओके. चीटियों की लाइन होती ना जो. हाँ. चीटियां बड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं, ऐसे लाइन बना के जाती हैं. कभी आपने पीछा करके देखा कहां तक जा रही है. यस. बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उनका टीम वर्क होता है. हाँ. वो धक्का लगता रहता है उनका एक दूसरे को. हाँ. हाँ. बीच में कोई और भी आ जाती है ना. हाँ. लाइन तोड़ने के लिए टीम वर्क है. टीम वर्क. टीम वर्क. तुम सच्ची इतने वेल्ले ऐसे काम भी करते हो. मैंने चीटियों को लड़वाया भी आपस में. हैं? आप ऐसे लड़वा भी सकते हो उनको. अच्छा. घुमा दो थोड़ा. वाओ, सो इंटेलेक्चुअल. अच्छा अभी फ्रिज का दरवाजा जब खोलते हैं तो लाइट जलती ना. हाँ. बंद कर देते बंद हो जाती. लेकिन कभी ऐसे करके देखा कि कहां तक दरवाजा जाए तो बंद होती है. ये काम सबने किया होता है पता. वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे घूमते हैं देखा कभी बैठ के. नहीं. हाँ, हाँ. वहां तक नहीं पहुंचे. वहां तक नहीं पहुंचे. ये दिनेश अपना हम ये ऐसे बड़े काम करता है. वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐसे ट्विस्ट होते ना तो इसका मुंह भी हिलता रहता करता. ना किया अगर ऐसे काम. टाइम निकाल के गिटार सीख. अच्छा पंखा बंद करो. हाँ. तो कितनी देर लगती है उसको रुकने में. डिपेंड्स किस स्पीड से शुरू. किस स्पीड पे रोका है. ऐसे हम स्विच बंद कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी चली जाए. हाँ. तो जो पांच नंबर पे घूम रहा होता है वो कितनी देर में रुकता है. एक मिनट. सनी भाई आपकी कोई विशेष टिप्पणी इसके ऊपर. सुना है किसी ने कहा कि 1.5 मिनट में रुकता है. मैंने बोला 1.5 मिनट में कैसे रुकेगा. हाँ. तो उसमें कहीं तेल ना हो या कुछ ना हो तो ऐसे ही रुक जाएगा. कड़क 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 कट. हाँ. कई पंखे बड़े डीट होते हैं जैसे बिजली गई घुड़क उधर रुक जाते हैं. मेरी मम्मी की शादी में मम्मी डैडी की ऑब्वियसली दोनों की साथ में हुई थी. मुझे नहीं बुलाया था. इनकी शादी में एक पंखा आया था गिफ्ट में. अच्छा. वो आज तक हमारे घर में चल रहा है. रियली? तो बीच में स्लो हो जाता तो मुझे लगा यार बेचारा है ना जब से मम्मी की शादी हुई तो हमसे पहले का है ये. हाँ. सीनियर है पंखा हमसे है ना. मेरे भाई से भी पहले. पर हमने सडनली उसका वो कंडेंसर क्या होता है ये मेमोरी सर की बात कर रहा हूँ वो हमने चेंज कराया. वो सडनली फिर जवान हो गया. जो ऐसे ऐसे अटक अटक के चलता था ना. एक टेबल फैन भी होता था हमारे घर पे. वो बड़ा ही डीट था बाजी. हम कोशिश करते थे कि सबको हवा देता रहे. उसको पकड़ के ऐसे लाते थे इधर करके तो फिर इधर चला जाता था. जो मालगाड़ी होती है उसके डिब्बे गिने आपने. हमेशा फेल हो गया. फेल हो जाता. कोशिश करी बट फेल हो जाती. स्पीड बहुत जाती. तो मालगाड़ी वैसे इतनी तेज चलती है. सर ऐसे होने लगता है. हाँ. सही कास्टिंग की है वैसे सनी इन तीनों की. वेल ले ये भी किया है. ट्रेन के डब्बे भी गिने सब कुछ. कार के शीशे पे जो धूल जमी होती है उसमें अपना नाम लिखा है उंगली से. वाओ यार सुपर वेल है. दूसरी चीजें भी लिखी है. भैंस जब गोबर कर रही होती है ओह गॉड तो कितनी देर तक पूंछ उठाती कभी देखा. इट डिपेंड्स कि वो कितना गोबर कर रही है. तूने किया ये बंदा डिटेलिंग वाला है अभी. कभी सड़क पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया है कि 50 गाड़ियों में से जाके किसका टायर गीला करेगा ये. जो नेबर्स के होते हैं उनसे वेल्ले बहुत ही ज्यादा वेल्ले पाजी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.